Audio Jungle. हमारे समाज में बेटियों को बहुत ही गलत नजर से देखा जाता है। अब तो इतना ज्यादा वो हो चुका है कि उनको पेट में ही मरवा दिया जाता है। हमारे देश में कई सारे ऐसे सेंटर हैं जहां पर ये लिंग जांच करके गलत काम हो रही हैं। तो सरकार द्वारा ये मुहिम चलाई गई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं इसमें किसी हद तक भी जा सकती हूँ मुजरिमों को पकड़वाने के लिए जो लिंग जांच करके बेटी मार देते हैं। जब रेड हुई तो वहाँ जाके पता लगा कि अल्ट्रासाउंड मशीन, डॉक्टर और हॉस्पिटल कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं थे। फिर उसको सील किया गया, और अगर एक एक सेंटर पे नजर रखी जाए उनको पकड़ा जा सकता है, और ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था या सेक्स रेशियो एट बर्थ था वो लगातार घटते जा रहा था डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। तो पीएनडीटी जो था वो लो प्रायोरिटी पे थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आने के बाद टॉप प्रायोरिटी पे आ गई। इससे हमें इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में काफी हेल्प हुआ है। साथ में जो मानसिकता जिसमें की बदलाव की जरूरत थी वो साथ साथ चलनी चाहिए, उसमें काफी मदद किया है स्कीम जब से लागू हुई। Audio Jungle. मेरा नाम मोनिका कुमारी काला है और मैं लादूसर की हूँ। पांच बहनें हैं, एक भाई है। पहले तो इस स्कूल सिर्फ परीक्षा लगाने जाते थे, महीने में एक बार जाते थे या दो बार। मन तो बहुत करता था लेकिन रोड बंद कर रखा तो मेरे को दिक्कत आती कैसे जाती मैं, इसलिए 3 साल बीच में पढ़ाई छोड़ दी। घर वाले तो बहुत चाहते थे पढ़ाने के लिए लेकिन एडमिशन नहीं हुआ। ट्राई किया था लेकिन प्राइवेट बहुत ज़्यादा पैसे मांगते। उसने जब वो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश देखा, उस संदेश को देख के उसने ये सोचा कि मुझे मौका दिया जा रहा है तो मुझे पढ़ना चाहिए। घर वालों ने कहा जब इसमें इतनी चेष्टा है पढ़ने की तो हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हॉस्टल में रहते हैं, जाने के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ वापस देते हैं। यूनिफॉर्म मिल जाती है, बैग मिल जाते हैं, कपड़े हैं ना, सब कुछ मिल जाता है। झुंझुनू में हमें जैसे ही मोनिका की कहानी सामने आई तो हमें लगा कि और भी बच्चियां बहुत हो सकती हैं जिले के अंदर, शहर के अंदर, जो पढ़ना चाहती हूँ लेकिन जिनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई है। तो विशेष तौर पर उन सबको, उनके माँ बाप को प्रेरित किया कि वहाँ इस प्रकार की सुविधा है जिसमें कोई बच्चियों को परेशानी नहीं होगी, खाना पीना सब फ्री है। और परिणाम ये निकला कि एडमिशन्स की संख्या बढ़ी, विशेष तौर पर जो बालिकाएँ हैं उनके नामांकन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ज़्यादातर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम लोग कुछ प्लान बनाते हैं और लोगों के ऊपर डाल देते हैं कि इसको अचीव करना है। लेकिन बेटी बचाओ ये एक मानसिकता को बदलना का कैंपेन है, तो माइंड चेंज करने के लिए हम लोगों को लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान नयागढ़ में शुरू किए, इधर लोगों ने प्लान बनाया, लोगों ने पायलटिंग किया और उसको हमारा गवर्नमेंट का जो सिस्टम ने उसको अडॉप्ट किया। पहले लड़की को इतना देखभाल नहीं करते थे और जल्दी शादी करते देते थे, तो हम लोग घर घर जाके महिला लोग को समझाया तो उन लोग को लगा कि लड़की को देखभाल करना ज़रूरत है। उन लोग को जब पता चला तो वो लोग गलत कर रही है, तब ये सब लोग बैठ के महिला लोग संगठन में निर्णय ले लाए कि जो भी लड़की पैदा होगा तो उनको पहले खाना पीना प्लस सुषम खाद्य देंगे, पढ़ाई भी करेंगे, जब 18 साल होगा 18 साल के बाद उनका शादी कर देंगे।
जहाँ लड़की पैदा हुआ था उस सेलिब्रेशन का कोई सोचता नहीं है, इसीलिए सब लड़की लोगों को इकट्ठा करके उनके लिए स्पेशली सेलिब्रेट किए, जो इवेंट का नाम हुआ कन्या संवर्धना उत्सव। क्योंकि महिला लोग जो है उनका लाइवलीहुड में इम्पैक्ट है और डिसीजन मेकिंग में भी पहले से इम्पैक्ट है, इसीलिए उन लोगों ने इन्फ्लुएंस किए गाँव के कमिटी में और पूरा गाँव ने एक रिजोल्यूशन लाया कि हमारा ये जो नोतरपल्ली विलेज है उसको बाल विवाह मुक्त करना है। पहले ये स्कूल में हर एक क्लास में बहुत ही कम स्टूडेंट आते थे, लेकिन अभी हमारे हर एक क्लास में करीब 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जो लास्ट ईयर मेरे कई दोस्त शादी कर लिए थे आधी पढ़ाई में, इस साल हमारे स्कूल में अभी तक कोई भी लड़के आधी पढ़ाई में शादी नहीं की। मेरा नाम गंगा गौरव है, बरें की रहने वाली हूँ। ये गांव वाले लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, घर में छुपा छुपा के रखते हैं कि किसी को पता ना चले हमारे घर में लड़की है। मेरे घर वालों से ही बोला गया कि लड़कियों को मत पढ़ा, तो मैंने बोला मैं खुद का कर लूँगी लेकिन मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने फिर कोचिंग भी खोली और पढ़ाने भी जाती, फिर साथ में भी टाइम मिलता तो मैं बच्ची होती हूँ, तो ऐसे मेरा काम चल जाता। तो ऐसे मतलब खुद की पढ़ाई में ही खर्च किया वो मैंने सारा, और स्पोर्ट में भी जाने लगी थी। फिर हम ट्रॉफी वो मेडल जीत जीत के लाते, तो घर के तो खुश होते ही थे लेकिन बाहर वाले बहुत खुश होते थे। तो फिर गांव वालों ने देखा तू भी जा, फिर अपनी लड़कियों को ढकेलते थे। और आज है ना इतनी सारी लड़कियां हो गई हैं कि स्पोर्ट में मैं तो समझती नहीं थी कि बरे में इतनी बड़ी टीम बन सकती है। मुझे फिर भी अच्छा लगा इसमें भी कि कम से कम मुझे देख के तो बड़ी ना लगी। शादियों में पढ़ाया गया था हमको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, आजकल क्या है लड़कियों की चाहना बहुत कम है लड़कों के बीच, तो हम लोगों ने भी गांव में आके बताया। तो जब बूढ़े लोगों को बताते वो तो नहीं समझ पाते ना, जब बच्चों को बताएंगे तो अपनी आगे वाली पीढ़ी तो अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। तो शादी वाली टीम वो ही करती है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये बात अपनी पहुँचे। भारत में विविधता बहुत है, इसलिए अलग अलग ज़िलों की अलग अलग समस्याएं हैं, और ज़िला कलेक्टर जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम का संचालन होता है उन्होंने अपने अपने ज़िलों में बहुत यूनिक तरीके से इसको लागू किया है। पहले केवल बेटियों को बचाने के तरफ झुकाव था, अब यह है कि बेटियों की शादी 18 वर्ष से पहले ना हो, उनको अपना करियर बनाने की पूरी आज़ादी हो, समाज उनके बेहतरी के लिए उनके साथ जुड़े और चेंज इन माइंड सेट आए कि लड़कियां भी आगे बढ़ करके बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं। भारत सरकार का ये जो पहल है जो अब एक तरीके से देश की पहल हो चुकी है और इसमें आम जनता जुड़ चुकी है एक जन आंदोलन के रूप में, उसको हम और अधिक प्रभावशाली और सफल बनाएं।